आज जयपुर में नाथ समाज का शहीद स्मारक पर एक धरना दिया जा रहा है। इनकी मांग है गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया जाए। जो धरने पे बैठे हैं और उन कुछ लोगों से जानते हैं, पूछते हैं कि किस बात के लिए धरना दिया जा रहा है और क्या मांगे हैं और उसके बारे में पता करते हैं। ये धरना दिया जा रहा है। मेरा नाम जगदीश योगी, प्रदेश अध्यक्ष नाथ समाज। मैं इस धरने को इस वजह से कर रहा हूँ, गुरु गोरखनाथ जी का बोल्ड की मांग है हमारी, और गुरु गोरखनाथ जी का बोल्ड बनना चाहिए और गुरु गोरखनाथ जी जयंती पे बनना चाहिए 5 तारीख को कली। अगर इसके बाद में नहीं बना तो इससे बड़ा भी धरना प्रदर्शन करूँगा। मैं हर रोड हर जाम करूँगा, हर चीज़ की एक अवकाश दिया जाता है सभी, यानी जाति जयंतियों का इनका। तो आप क्या मांग करते हैं कि गोरखनाथ इसका इनका भी 5 मई को घोषणा होनी चाहिए गुरु गोरखनाथ जी बोल्ड की। ये बहुत बहुत पहले से ही मांग चल रही है, कई सालों से मांग कर रहे हैं और ना सरकार सुन रही, और इसी वजह से हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब ये कई सरकार आ जाती है, कई सरकार चल जाती है, लेकिन हर नेता ये कहते हैं भाई बना देंगे, ये बात है। अब तक तो हमारी किसी से बातें हुई नहीं है, और आगे अब बात हो तो हम बहुत खुश होंगे, पूरी राजस्थान ना समाज खुश होगी, यही हमारी है। अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया, तो इलेक्शन का टाइम आ गया तो करो हमारी मांग पूरी, ये बात है। सरकार नहीं मानती तो फिर आगे क्या करोगे? आगे हर जिले में धरना देंगे हम, हर जिले में धरना प्रदर्शन होगा। जैसे आज जयपुर में है, फिर हर जिले हेडक्वार्टर में किया जाएगा, ये वो लगातार करेंगे, कर्मी की भूख हड़ताल करेंगे। फिर चुनाव में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। यदि हमारे मांगे पूरी नहीं हो तो हम खिलाफ सरकार के, हम बिल्कुल दिखेगा। आप लोगों की कितनी जनसंख्या? करीब 25 लाख जनसंख्या राजस्थान में, पूरे राजस्थान करीब 25 लाख जनसंख्या है। और हमारा यही है कि हम शांतिप्रिय आदमी हैं, नाथ है वो शांतिप्रिय है, हम चाहते नहीं धरना देना, अवकोश करना, तोड़फोड़ करना, ये हम करना पड़ेगा। नहीं बस ये मुख्यमंत्री बात हुई है, मुख्यमंत्री से बात हुई थी, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा इसके लिए हमें आश्वासन दिया है, किया हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी। और वैसे हमारे जो विधायक है ना, कई विधायकों से बात की है, हमारे झुंडू विधायक हैं, कपासन विधायक है, इधर वो बालोत्रा विधायक है, सभी ने इस वक्त बोला है। उन्होंने क्या बस करवाएंगे, लेकिन भी हुआ नहीं। हम चाहते हैं कि कल 5 तारीख को गुरु गोरखनाथ प्राकट्य दिवस है, उस प्राकट्य दिवस में ये हो जाना चाहिए। यदि कल नहीं होता है तो पूरे राजस्थान में धरना देंगे, इसके लिए पूरे राजस्थान में कर्मी हड़ताल होंगे, गति देंगे, बिल्कुल कर्मी हड़ताल करेंगे, हर जिले में करेंगे। फिर धर्मपाली होगी, कल गोरखनाथ जयंती है और इस मौके पे इन्होंने कहा है कि अगर कल सरकार हमारा बोर्ड का गठन नहीं करती है तो आने वाले चुनाव में इसका असर सरकार को देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मालचंद गोस्वामी के साथ गणेश यादव, Think360 जयपुर। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड।